हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के पूरे फ्रेंचाइज के बारे में इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि आपने अगर ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी भी है तो आपको उसकी मेन स्टोरी अब तक नहीं पता। तो देरी क्यों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। इन ट्रांसफॉर्मर्स पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम द क्यूब ऑलस्पार्क। क्यूब एक सोर्स है जिससे ट्रांसफॉर्मर्स क्रिएट हुए थे, जो कि उनका खुद का मानना था। लेकिन हम एज ऑफ एक्सटिंक्शन में जान पाते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स किसी मैजिकल क्यूब से नहीं, बल्कि उन्हें क्रिएट किया था द क्रिएटर्स ने। द क्रिएटर्स अर्थ पर 65 मिलियन सालों पहले आते हैं एंड ये लोग अर्थ पर सीड्स प्लांट करते हैं। लेकिन ये पेड़ पौधों वाली सीड्स नहीं थी, ये सीड्स थी टेराफॉर्मिंग सीड्स, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को ट्रांसफॉर्मिंग में कन्वर्ट करती है। ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली मशीन्स है, इसलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए एनर्जी ऑन की जरूरत है। एनर्जी ऑन क्रिएट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स के पास स्टार हार्वेस्टर है एंड स्टार हार्वेस्टर एक पूरे तारा को निगलकर उसकी एनर्जी को स्टोर कर सकती है। अब जो प्राइम्स थे, यानी कि लीडर ऑफ प्लैनेट साइबरट्रॉन, इन सब में एक रूल था कि कभी भी ये लोग किसी ऐसे प्लैनेट की सन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन एक इनमें से प्राइम था जिसका नाम था द फॉलन। वो ये रूल को तोड़कर अर्थ पर आ जाता है एंड इजिप्ट में एक स्टार हार्वेस्ट को एक्टिवेट कर देता है। फॉलन को रोकने के लिए बाकी प्राइम्स अर्थ पर आते हैं एंड फॉलन को ट्रांसफॉर्मर्स जेल में कैद कर देते हैं। अब बाकी प्राइम्स खुद को सेक्रीफाइस करके स्टार हार्वेस्टर की द मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को प्रोटेक्ट करते हैं खुद को पिघलाकर। हजार साल बीत जाते हैं एंड साइबरट्रॉन पर अब एक सिविल वॉर छिड़ चुकी थी दो ग्रुप्स के बीच, जिनका नाम था ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स। ऑटोबॉट्स जिनका लीडर था ऑप्टिमस प्राइम और डिसेप्टिकॉन्स का लीडर था मेगाट्रॉन, जो कि फॉलन का अप्रेंटिस था। वॉर में ऑटोबॉट्स हार जाते हैं, इसलिए सेंटिनल प्राइम, जो कि ऑप्टिमस का मेंटोर था, वो साइबरट्रॉन प्लैनेट से द अर्थ नाम की शिप में एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर एस्केप करता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोबॉट्स ये लड़ाई को जीत सकती थी। लेकिन डिसेप्टिकॉन शिप पर अटैक करते हैं एंड शिप टुकड़ों में बट जाती है। इसके बाद सेंटिनल प्राइम और उसकी टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ, हम आगे जानेंगे। 10,000 BC के दौरान द क्यूब ऑलस्पार्क अर्थ पर गिरती है, जिसके पीछे डिसेप्टिकॉन्स का लीडर मेगाट्रॉन भी अर्थ पर आ जाता है। लेकिन वो आर्कटिक ओशन में क्रैश लैंडिंग कर जाता है, जहां पर ये अब 12,000 सालों तक जमा रहने वाला था। अब हम 484 AD के वक्त में आगे बढ़ते हैं, जहां पर किंग आर्थर और उसकी राउंड टेबल लड़ाई कर रही थी अपने एनिमी सेक्सॉन्स के खिलाफ। दरअसल ये लोग लड़ाई करके थोड़ा वक्त बना रहे थे अपने जादूगर मर्लिन के लिए, जो कि एक ऐसी वेपन की तलाश में गया था जिससे ये लोग वॉर को जीत पाएंगे। ये वेपन एक स्टाफ थी जो कि क्विंटेसन नाम के एक साइबरट्रॉन की गॉडेस का था, जिसे उसी के एक नाइट ने बहुत पहले चुरा लिया था ताकि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय ना कर सके। मर्लिन स्टाफ की मदद से आर्थर उसके नाइट्स को पावर दे देता है, जिससे ये लोग वॉर को जीत जाते हैं। मर्लिन के स्टाफ को यूज करने पर मर्लिन की DNA स्टाफ में एनकोडेड हो जाती है, इसलिए बस मर्लिन की ब्लड लाइन, या यूं कहें कि मर्लिन के वंशज में से ही कोई होगा जो कि स्टाफ को फ्यूचर में यूज कर पाएगा। अब बाकी दुनिया को ट्रांसफॉर्मर्स और स्टाफ की पावर के बारे में कुछ पता ना चले, इसलिए राउंड टेबल के सारे योद्धा शपथ करते हैं। राउंड टेबल के सारे नाइट्स द ऑर्डर ऑफ द विटिकन्स फॉर्म करते हैं एंड इस ऑर्डर के वंशज को हम पूरे हिस्ट्री के दौरान देख पाते हैं, जैसे कि माइकल एंजेलो, डाविंशी, शेक्सपियर, स्टीफन हॉकिंग और सैम, जो कि मूवी का मेन हीरो है। अब वक्त आ चुका है कि हम द ऑर्डर विटिकन्स की फैमिली हिस्ट्री के बारे में कुछ जानें। 1897 में हम रिनाउंड एक्सप्लोरर कैप्टन एर्कबल विटिकी को देखते हैं, जो कि आर्कटिक सर्कल को एक्सप्लोर कर रहा था। खोद के दौरान ये बर्फ के अंदर गिर जाता है, जहां पर उसे मेगाट्रॉन जमा हुआ मिलता है। यहां पर कैप्टन गलती से मेगाट्रॉन की नेविगेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे होता यह है कि उसकी लोकेशन चश्मों पर इम्प्रिंट हो जाती है। 1913 में क्यूब 7 इंसानों को मिलती है, जिसे हिस्ट्री द फर्स्ट 7 के नाम से जानती है। 14 साल बाद ये 7 आदमी पिलर बनते हैं सेक्टर 7 की, जो एक ऐसी खुफिया गवर्नमेंट ब्यूरो एजेंसी थी जो एलियन से अर्थ को बचाती थी। 7 साल बाद बर्फ में जमे मेगाट्रॉन को सेक्टर 7 वाले होडम के अंदर छिपा देते हैं द क्यूब ऑलस्पार्क के साथ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बम्बलबी, जो कि ऑटोबॉट्स का स्काउट था, एलाइड फोर्सेस की मदद करता है वॉर को जीतने में हिटलर के खिलाफ। एंड अब हम जानेंगे कि पहले सेंटिनल प्राइम जिस टेक्नोलॉजी के साथ एस्केप करते वो एस्केप में खो जाता है उसके बारे में। साल 1916 में सेंटिनल प्राइम फाइनली मून में क्रैश लैंडिंग करता है एंड इस क्रैश लैंडिंग के बारे में US को पता चल जाती है। लेकिन अब तक इंसानों के पास स्पेस में जाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। USA पूरे 8 साल लगा देती है एंड पहली बार इंसान चांद पर पैर रखता है विद द हेल्प ऑफ अपोलो 11। मून पर इन्हें द आर्क शिप मिलती है, जिसके अंदर सेंटिनल प्राइम इन्हें डोमिनेंट स्टेट में मिल जाता है। USA के बाद रशिया भी मून पर पहुंच जाती है एंड ये लोग द आर्क शिप की एक फ्यूल सेल को अपने साथ अर्थ पर ले जाते हैं। रशिया इस फ्यूल सेल पर बहुत सारे टेस्ट करती है, जिसका रिजल्ट एक डिजास्टर का रूप ले लेती है, जिसे रशिया एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मेल्टडाउन का कवर अप देती है। 2003 में नासा का रोवर मार्स से एक छोटा सा वीडियो ट्रांसमिट करता है ऑफ स्टार स्क्रीन, जो कि मेगाट्रॉन का सेकंड इन कमांड था।
चार साल बाद डिसेप्टिकॉन्स फाइनली अपनी चाल चलते हैं बाय अटैकिंग अमेरिकन इंटेलिजेंस सिस्टम, ताकि उन्हें उनके लीडर मेगाट्रॉन की लोकेशन पता चले। अमेरिकन इंटेलिजेंस से इन्हें पता चल जाता है कि मेगाट्रॉन की लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स कैप्टन विटविकी के चश्मे में इम्प्रिंटेड थी। ये चश्मा प्रेजेंट में सैम के पास था, जो कि कैप्टन विटविकी का पर पोता था। सैम इस दौरान एक पुरानी सी कार खरीद लेता है, जो कि दरअसल बम्बलबी ही था एक कार के फॉर्म में। डिसेप्टिकॉन सैम का पता लगा लेते हैं, लेकिन बम्बलबी सैम को इनसे प्रोटेक्ट करता है और ऑप्टिमस प्राइम भी बाकी ऑटोबोट्स के साथ फाइट को ज्वाइन करता है। यहाँ पर सेक्टर 7 पहुँच जाते हैं और सैम को बम्बलबी के साथ अरेस्ट करके हूवर डैम ले जाते हैं, जहाँ पर सेक्टर 7 ने मेगाट्रॉन और द क्यूब ऑलस्पार्क को रखा हुआ था। डिसेप्टिकॉन्स इनका पीछा करते हुए फैसिलिटी में पहुंचकर पूरे सिस्टम को हैक कर देते हैं, जिससे होता यह है कि मेगाट्रॉन अपनी क्रायोस्लिप से जाग जाता है। डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबोट्स की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है एंड सैम क्यूब की मदद से मेगाट्रॉन को मार गिराता है। यूएस गवर्नमेंट इस हादसे के बाद सेक्टर 7 को बंद करवा देती है एंड मेगाट्रॉन के बचे हुए रैकेज को समंदर की गहराइयों में डिस्पोज कर देती है। ऑटोबोट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पर स्पेस में एक मैसेज ट्रांसमिट करता है बाकी ऑटोबोट्स को, जो कि छिपे हुए थे स्पेस में उन्हें इस वॉर में शामिल होने के लिए। नाउ स्टोरी कंटिन्यूज और साल है 2009 का। गवर्नमेंट और ऑटोबोट्स नेस्ट नाम की एक सीक्रेट एजेंसी बनाते हैं, जिनका काम था अर्थ में छुपे हुए डिसेप्टिकॉन्स को मार गिराना। संघाई के मिशन के दौरान जब ये लोग एक डिसेप्टिकॉन को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनसे कहता है कि फॉलन इज बैक। जी हाँ, डिसेप्टिकॉन्स का लीडर फॉलन अपने कैद से बाहर आकर सीधे अर्थ पर पहुंच जाता है। सैम इधर अपने लाइफ से खुश था एंड उसे एक दिन द क्यूब ऑलस्पार्क की एक पीस मिलती है, जो उसे एंशिएंट साइबरटोनियन नॉलेज शो करती है, जिसे वो हैंडल नहीं कर पाता एंड पागलों जैसी हरकत करने लगता है। गवर्नमेंट एजेंसी नेस के पास भी क्यूब की एक पीस थी, जिसे डिसेप्टिकॉन चुरा कर मेगाट्रॉन को दोबारा जिंदा कर देते हैं। फॉलन मेगाट्रॉन को अब कमांड करता है कि ऑप्टिमस प्राइम को मार दे। मेगाट्रॉन इस काम में लगभग कामयाब भी हो जाता है। ऑप्टिमस की मौत के बाद सैम अपनी गर्लफ्रेंड और एजेंट साइमन के साथ मिलकर जेटफायर नाम के एक डिसेप्टिकॉन से मिलने जाता है। जेटफायर ऑटोबोट्स और डिसेप्टिकॉन्स की इस लड़ाई से उब चुका था एंड जेटफायर इन सबको इजिप्ट में टेलीपोर्ट करता है, जहां पर वो इनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि द फॉलन मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की तलाश में है, जो कि स्टार हार्वेस्टर मशीन का की था। सैम को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिल जाती है, लेकिन फॉलन बाकी डिसेप्टिकॉन्स के साथ आकर उसे मार डालता है। मरने के बाद सैम साइबरटोनियन आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है, जहां पर प्राइम्स उससे कहते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप हमेशा से उसके अंदर ही था। एंड इसी के साथ सैम फिर से जिंदा हो जाता है और उसके पास अब मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी आ जाती है, जिसकी मदद से ऑप्टिमस प्राइम को जिंदा कर देता है। इस फ्रेंचाइज में कोई मरता क्यों नहीं? ऑप्टिमस प्राइम अब फाइनली जिंदा होकर फॉलन को मार डालता है। दो साल बाद नेस को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द फ्यूल सेल, जो कि रशिया ने मून लैंडिंग के दौरान द आर्क से चुराई थी। ऑटोबोट्स कुछ चांद पर जाकर सेंट्रल प्राइम को अर्थ पर उसके टेक्नोलॉजी के साथ वापस लाते हैं, जो कि इस वॉर को एक नया रूप दे सकता है। ये टेक्नोलॉजी थी द स्पेस ब्रिज, एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी मैटर को स्पेस और टाइम के आर पार कर सकती थी। लेकिन यहाँ आती है एक ट्विस्ट। सेंटिनल प्राइम अब डिसेप्टिकॉन्स का साइड ले लेता है, ताकि वो साइबरट्रॉन को अर्थ पर रीबिल्ड कर सके, जिससे होगा ये कि अर्थ इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा एंड हम सब मारे जाएंगे। ऑप्टिमस प्राइम इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है एंड कहता है कि अर्थ इज़ आवर होम नाउ। सेंट्रल प्राइम गवर्नमेंट को झांसा देता है कि ऑटोबोट्स ईविल थे एंड ये लोग अर्थ की रिसोर्सेज को ख़त्म करने में लगे थे, इसलिए गवर्नमेंट एक स्पेसशिप में सभी ऑटोबोट्स को डालकर स्पेस में लॉन्च कर देती है, जिसे बीच रास्ते में स्टारस्क्रीन नाम का डिसेप्टिकॉन ब्लास्ट कर देता है। ऑटोबोट्स का खात्मा होते ही डिसेप्टिकॉन शिकागो पर हमला कर देते हैं, लेकिन ऑटोबोट्स सच में मरे नहीं थे। ऑप्टिमस प्राइम सेंट्रल प्राइम को यहाँ पर मार देता है एंड स्पेस ब्रिज मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ कमिंग ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट, इसमें हमें दुनिया का नया रखवाला केड मिलता है। केड एक इन्वेंटर स्लैश यंकर स्लैश डैड स्लैश एंटरप्रेनर था, लेकिन वो खुद के लिए एक पुरानी खटारा ट्रक खरीदता है एंड बूम, उसे पता चल जाता है कि एक ट्रांसफॉर्मर है, जो कि सच भी था, क्योंकि ये ट्रक ऑप्टिमस प्राइम था, जो कि सिमेट्री नाम के एक CIA सीक्रेट ट्रांसफॉर्मर हंटिंग एजेंसी से बच रहा था, जिसका हेड हैरल्ड था। हैरल्ड इस ऑपरेशन के लिए साइबरट्रोनियन बाउंटी हंटर लॉकडाउन से डील करता है एंड वो अर्थ पर बचे हुए सभी ट्रांसफॉर्मर के खात्मे में लगे रहता है। कुछ सालों बाद सिमेट्री को ऑप्टिमस प्राइम के केड्स के फॉर्म पर होने की इंटेल मिलती है, जिससे ऑप्टिमस और केट्स बाल बाल बचते हैं। फिर ऑटोबोट्स रिग्रुप होते हैं, जहां पर केट और बाकी ऑटोबोट्स को ये पता चलता है कि KSI नाम की एक एजेंसी है, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स के रैकेज को चुरा कर उसकी मदद से आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मर्स क्रिएट कर रही थी। गैल्वेट्रॉन नाम की एक आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मर इन लोगों ने ऑलरेडी बना ली थी, जिसमें मेगाट्रॉन की DNA थी। केड और ऑटोबोट्स इनसे एस्केप करते हैं, लेकिन गैल्वेट्रॉन और बाकी डिसेप्टिकॉन्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। इवेंचुअली लॉकडाउन भी यहाँ पर आ जाता है एंड ऑप्टिमस प्राइम को पकड़ लेता है। ऑप्टिमस से कहता है कि द क्रिएटर्स ने उसे अपने पास वापस बुलाया है। ऑप्टिमस को पकड़ने के लिए एटिंगर ने लॉकडाउन की मदद की थी, इसलिए लॉकडाउन उसे क्रिएटर्स की एक सीट देता है, जिसे एटिंगर KSI के कुछ शेयर्स के रिटर्न में KSI की हेड जोशुआ जॉयस को बेच देता है।
जोशुआ इन सीड को डेजर्ट में एक्टिवेट करने वाला था, जिससे ढेर सारा ट्रांसफॉर्मिंग मिलता एंड इससे ये आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मर्स क्रिएट करता। लॉकडाउन अपनी शिप में ऑप्टिमस प्राइम को बंदी बनाया हुआ था, जहां पर केड अगर उसे वहां से छुड़ा लेता है। वो लोग एक एस्केप शिप की मदद से बाकी ऑटोबॉट्स के साथ रिग्रुप करते हैं एंड कैसा के हेडक्वार्टर में गैल्वेट्रॉन अब पूरी तरह से मेगाट्रॉन का रूप ले लेता है, क्योंकि उसमें मेगाट्रॉन का डीएनए यूज किया गया था उसे क्रिएट करने के लिए। मेगाट्रॉन भी अब सीड के पीछे लग जाता है ताकि वो अपनी खुद के ट्रांसफॉर्मर्स की आर्मी बना सके। लेकिन जोशुआ सीड को लेकर हांगकांग एस्केप करता है, जहां पर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की एज यूजुअल लड़ाई हो जाती है। अब हेल्प की तलाश में ऑप्टिमस डायनोबॉट्स के पास जाता है, जो कि नोबल साइबरट्रोनियन वॉरियर्स थे। ऑप्टिमस इनमें से एक डायनोबॉट को राइड करता है एंड मिलकर ये लोग डिसेप्टिकॉन्स को हरा देते हैं। ऑप्टिमस वॉर के बाद अर्थ को छोड़कर द क्रिएटर्स की तलाश में स्पेस में निकल पड़ता है, लेकिन उसे पूरे 3 सालों बाद बस एक ही क्रिएटर मिलती है, जिसका नाम था क्विंटेसा। क्विंटेसा उससे कहती है कि जिस अर्थ को सालों से प्रोटेक्ट कर रहा था, वो अर्थ दरअसल एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर है, जिसका नाम था यूनिक्रॉन, जिसमें इतनी एनर्जी थी कि वो साइबरट्रॉन प्लैनेट को दोबारा जिंदा कर सकता है। क्विंटेसा ऑप्टिमस को ब्रेनवॉश करके ऑर्डर देती है कि वो अर्थ में वापस जाकर स्टैप को अपने साथ वापस लाए, ताकि वो यूनिक्रॉन को एक्टिवेट कर सके। जब ऑप्टिमस अर्थ छोड़कर क्रिएटर्स की तलाश में गया था, केड और बाकी ऑटोबॉट्स छिप छिप कर अपने दिन काट रहे थे। इसी दौरान उसे क्रैश साइबरट्रॉनियन शिप मिल जाती है, जहां पर उसे क्विंटेसा का एक नाइट अधमरी हालत में मिलता है। मरने से पहले नाइट केड को एक टैलिस्मैन देता है, जिसमें उसे सर एडमंड बर्टन के बारे में पता चलता है, जो ऑर्डर ऑफ द विटविकन्स के एक डिसेंडेंट था। एंड फिर हम विवियन वेमली नाम के एक हिस्ट्री प्रोफेसर को देखते हैं। याद है किस तरह से ऑर्डर ऑफ द विटविकन्स मर्लिन के वंशज को प्रोटेक्ट करने की शपथ ली थी। विवियन को पता चलता है कि वो मर्लिन के वंशज की आखिरी वारिस है एंड जो क्विंटेसा के स्टाफ को यूज करके सबको बचा सकती थी, लेकिन इनके पास स्टाफ ज्यादा देर तक रहने वाला था नहीं। क्विंटेसा और ऑप्टिमस प्राइम, जो कि अब नेमेसिस बन चुका था, अर्थ पर ट्रेवल करके स्टाफ को वापस ले लेते हैं। क्विंटेसा स्टाफ की मदद से अर्थ को, या यूं कहें कि यूनिक्रॉन को एक्टिवेट कर देती है। अब नेमेसिस को रोकने के लिए बम्बल भी आता है एंड इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। बम्बल भी फाइट को हार रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी ओरिजिनल वॉइस आ जाती है, जिसे सुनकर नेमेसिस वापस से ऑप्टिमस प्राइम बन जाता है। साइबरट्रॉन के नाइट्स ऑप्टिमस की इस गद्दारी पर उसे मारने वाले थे, लेकिन केड यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तालिस्मान के साथ फाइट में एंटर करता है, जो कि एक्सकैलिबर नाम के एक लेजेंडरी स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। एंड ये केड था जो कि द लास्ट नाइट बन जाता है। ऑटोबॉट्स और ह्यूमंस मिलकर क्विंटेसा के स्टाफ को चुरा कर उसे मार डालते हैं, लेकिन क्योंकि इस फ्रेंचाइज में कोई शांति से मर भी नहीं सकता, थोड़ी देर बाद डेजर्ट में क्विंटेसा वापस आ जाती है, जहां पर वो यूनिक्रॉन से रिलेटेड कुछ डेंजरस बात बताती है। एंड में ऑप्टिमस फिर से एक बार स्पेस में बाकी ऑटोबॉट्स को मैसेज ट्रांसमिट करता है कि अर्थ ही हमारा घर है। एंड इसी के साथ ट्रांसफॉर्मर्स की टाइमलाइन इज एक्सप्लेन्ड। तो एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।